हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो अनाउंसमेंट आया है इंस्टीट्यूट का रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे से मेरी बात हो रही है, तो वो वही कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं हमारे मार्क्स से और काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं, और हमको ये पता करना है कि भाई मार्क्स कम क्यों हैं, या हमको वेरीफाई कराना है, और हो सकता है हमारे मार्क्स बढ़ जाए। काफ़ी बच्चे बहुत ही कम मार्जिन से फेल हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट डिटेल्स दे देता हूँ पहले, कब आप अप्लाई कर सकते हो, कितना चार्ज है इसका, कब तक कॉपीज़ मिलती हैं या वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किनको अप्लाई करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक बातें मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, और ये टॉपिक पे सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं दे दूंगा, तो वन टू वन आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं डेट्स और अमाउंट्स आपको बता देता हूँ कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपका 21 डेज़ का विंडो है। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया, 26 फेब से एप्लीकेशंस ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और लास्ट डेट आएगा 18 मार्च। ठीक है, 26 फरवरी से 18 मार्च, 21 डेज़ का विंडो है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पर पेपर पर सब्जेक्ट आपको 250 रुपीज़ चार्ज लगेगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये है, ठीक है, 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, 26 फरवरी से लेके 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आते हैं इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपीज़। ठीक है, इसमें 30 डेज़ का विंडो होता है, जो आज से ही स्टार्ट हो गया है, 26 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 30 डेज़ का है, तो ये इसका लास्ट डेट आता है 27 मार्च। 27 मार्च तक आप सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, मतलब डबल है, ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ आपका चार्ज है, जितने सब्जेक्ट्स होंगे मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट आपको लगेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन का भी ऑप्शन होता है, बट इंस्पेक्शन आपको पता होगा, इंस्पेक्शन मतलब फिजिकल इंस्पेक्शन, फिजिकली नोएडा ऑफिस में, ICSI के नोएडा ऑफिस में जाके आप फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो ये ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन नहीं है, आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, दो बेसिक ऑप्शन है आपके पास, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, तो डेट्स और अमाउंट्स आपको पता चल गए, अब डिस्कस करते हैं कि कब क्या ऑप्शन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन मतलब कि भाई आप सिर्फ एरर्स चेक करने के लिए उनको कह रहे हो कि आप फिर से हमारा पेपर सिर्फ एरर्स के लिए चेक करो। एरर मतलब ह्यूमन एरर, चेकर का जो ह्यूमन एरर होता है कि कुछ आंसर चेक करना रह गया, कहीं मार्किंग देना रह गया, कहीं टोटल में कोई मार्क कैरी फॉरवर्ड करना रह गया, अमाउंट या मार्क स्वैप हो गए, ठीक है, कुछ भी ऐसा टेक्निकल यानी ह्यूमन एरर अगर आता है तो वो उसको देखते हैं और उसको करेक्ट कर लेते हैं, और उसके वजह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। भाई अनचेक्ड आंसर है तो वो चेक कर देंगे और उतने मार्क्स ऐड कर देंगे, चेक हो गया था पर मार्किंग अलॉट नहीं हुई थी तो मार्किंग अलॉट कर देंगे, मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो गए तो वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। पर ह्यूमन एरर में क्या नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आंसर चेक हो गया है, उसके मार्क्स अलॉट हो गए हैं, भले वो जीरो ही क्यों ना हो, वो फिर से चेक नहीं होते। ठीक है, वो वेरिफिकेशन में नहीं आता है, वो तो रीचेकिंग में आता है, और रीचेकिंग लॉ में इंडिया में नहीं है, इन द प्रोफेशनल कोर्सेस। ठीक है, तो रीचेक तो हो ही नहीं सकता। आप कहोगे नहीं मैं सारे आंसर क्लियर करना चाहता हूँ, तो वो ऐसा कोई ऑप्शन लॉ में अभी तक नहीं है, सिर्फ दो तीन जो एरर्स मैंने आपको बताए वो होंगे तो वो चेक करते हैं। ठीक है, और जैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं, पर सर क्या मार्क्स एक्चुअली बढ़ते हैं ये भी तो बताए, तो यस मार्क्स बढ़ते हैं, 2, 4, 5, 6 इतने मार्क्स बढ़ जाते हैं, अगर मतलब काफ़ी बच्चों के बढ़े हैं ओवर द ईयर्स, मैंने देखा है हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई बच्चा कहता है सर मेरे वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ गए और मेरा ग्रुप पास हो गया, अब मैं प्रोफेशनल। तो ये मतलब होता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ मतलब किसी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, एरर्स होते हैं और हुए होंगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो लक फैक्टर है, आप लक आजमाना चाहें 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट तो आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया वेरिफिकेशन। तो किसी को अगर आंसर देखने ही नहीं है,
किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इम्प्रूवमेंट का, बस वो दो चार मार्क्स से फेल हुआ है और उसको अपना लक आजमाना है कि चलो हो सकता है कुछ एरर हुई हो तो ऐड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जा सकते हैं, आपको पेपर देखने नहीं है, आपको अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाना है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या वो आपको चेक करना है। अब यस, गलती से मार्क्स ज़्यादा आ गए होंगे तो कम भी हो सकते हैं, मतलब कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है तो थेरोटिकली मैं कहूँ तो बोथ वेज हो सकता है, बट नॉर्मली मैंने ये देखा है कि वो स्टूडेंट के फेवर में ही इसको देते हैं, स्टूडेंट के अगेंस्ट में कभी भी ये यूज़ नहीं होता। मतलब वो मार्क्स कम होते भी होंगे तो करते नहीं हैं, अनचेंज रखते हैं उसको, मतलब स्टूडेंट के फेवर में इसको फैसिलिटी को यूज़ किया जाता है, बढ़ते होंगे तो बढ़ाएंगे, कम होते हैं तो कम रखते, उतने ही रखते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स बढ़ते हुए देखे हैं पर एक भी कम होते हुए नहीं देखा, ठीक है? तो आप अपना जजमेंट ले सकते हैं। फिर है कि ठीक है, फिर है सर्टिफाइड कॉपीज। अब सबसे पहली बात, सर्टिफाइड कॉपी में भी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है? मतलब कॉपी ऐसे ही नहीं दी जाती है, पहले वो वेरीफाई होती है, एरर्स होते हैं तो वो चेक किए जाते हैं, मतलब वो उसमें चेंजेस किए जाते हैं और फिर कॉपी दी जाती है। तो सर्टिफाइड कॉपी अगर आप बुला रहे हो तो ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन इंक्लूडेड है, दोनों अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ₹500 में ₹250 इंक्लूडेड है, ठीक है? ₹250 ऐसा आप मान लो कि वेरिफिकेशन के लिए लिए जा रहे हैं और ₹250 ऊपर के जो लिए जा रहे हैं वो कॉपी देने के किए जा रहे हैं, ठीक है? वो भी आपको स्कैन कॉपी ईमेल पे आती है या उसका आईडी पासवर्ड होता है, आपको खुद डाउनलोड करनी होती है, फिजिकल कॉपी नहीं आती, ठीक है? तो ये कब आप अप्लाई करोगे, जब आपको कॉपी भी देखनी है और आपको ये भी साइमल्टेनियसली देखना होगा कि मार्क्स बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो प्योरली अगर आपको पेपर देखना है, आंसर्स देखने हैं, अपनी मार्किंग देखनी है, इंप्रूवमेंट्स अपने ड्रॉबैक्स देखने हैं, टीचर को कॉपी दिखवानी है, तो आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है? तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब प्रोसीजर क्या है, ठीक है? प्रोसीजर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, इसका जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्टली लिंक दे देता हूँ, ठीक है? आई होप इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है? टाइमिंग्स बता दिए, प्रोसीजर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, क्या होता है उसमें वो भी मैंने बताया और कब क्या सिचुएशन में आपको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और लास्ट में एक पॉइंट मैं बता देता हूँ जो काफ़ी बच्चों के मन में होगा, सर आरटीआई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि आरटीआई से यस आप कॉपी बुला सकते हो आरटीआई से, लेकिन आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है? आरटीआई में वो फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो वो तो आईसीएसआई के थ्रू ही होगा, और अगर वो सिर्फ कॉपी देखनी है, अब इसमें भी चीज़ें साइलेंट हैं कि अगर मैं आरटीआई के थ्रू बुलाता हूँ तो क्या मेरी बढ़ेगी, क्या उसमें वेरिफिकेशन इंक्लूडेड है? तो कहीं लिखा हुआ नहीं है और मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन उसमें इंक्लूडेड नहीं है, आरटीआई का वो काम ही नहीं है, आरटीआई का काम है ट्रांसपेरेंसी, तो वो उसमें कुछ चेकिंग वेकिंग मतलब वेरिफिकेशन नहीं होता, ठीक है? तो जिनको दोनों करना है, वेरिफिकेशन भी चाहिए और कॉपी भी चाहिए, तो आपको आईसीएसआई के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और किसी को अगर वेरीफाई नहीं कराना है सिर्फ बस कॉपी देखनी है तो आप आरटीआई के थ्रू जा सकते हो। ऑब्वियसली आरटीआई बहुत सस्ता पड़ता है, ₹10 एप्लीकेशन चार्ज है और ₹2 पर पेज आपको एडिशनल फी भरनी पड़ती है, तो बहुत सस्ता है, मतलब बहुत ही कम पैसा लगता है एज कम्पेयर टू द चार्जेस जो स्टूडेंट्स को पे करने पड़ते हैं आईसीएसआई के। आरटीआई ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आरटीआई से भी आ जाता है, हल्का हो सकता है टाइम लगे बट टाइम तो आईसीएसआई भी अच्छा लेता है, टाइम आईसीएसआई भी अच्छा खासा लेता है, ठीक है? तो टाइमिंग का भी मैं बता देता हूँ, तो टाइमिंग 1 month मिनिमम होता है, ठीक है? आरटीआई से भी 30 days लगभग लग जाता है और इंस्टीट्यूट भी लगभग 30 days या उससे ऊपर ही लेती है, और वेरिफिकेशन भी बहुत 1.5 से 2 महीने तक आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अब सर हम बीच में एग्जाम फॉर्म की डेट आ जाती है तो उसमें क्या करें, क्या हमको फॉर्म भरना है? यस, आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? एग्जाम फॉर्म की जो डेट्स हैं उसके मतलब आपको डेट्स के मतलब विदिन आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि उसका रिजल्ट जो वेरिफिकेशन का है, कॉपी का जो भी रिजल्ट होता है वो आपके एग्जाम फॉर्म की डेट के और बाद ही आता है, ठीक है? तो आप बाद में फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो आपको फॉर्म तो भरना पड़ा। अब सर अगर हम पास हो गए तो वेरिफिकेशन में अगर हम पास हो गए तो क्या हमारी फॉर्म की फी वेस्ट हो जाएगी? नहीं सर, वो आपको रिफंड
रिफंड हो जाएगी, इवन वेरिफिकेशन की भी जो फी आपने भरी होगी वो भी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ता है, अगर आप पास हो जाते हो, तो आपको फॉर्म की फी, एग्जाम फॉर्म अगर आपने भरा होगा तो उसकी फीस भी वापस मिल जाएगी, और आपको वेरिफिकेशन की भी जो फीस होगी वो भी वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप पास हो जाओगे तो आप फॉर्म भी भर दो, सब कुछ आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर वेरिफिकेशन में पास नहीं हुए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप तो ऐसे अगला एग्जाम देने ही वाले हो ना। ठीक है, तो ये भी एक कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में कि सर एग्जाम फॉर्म भरना है नहीं भरना है, भर दिया तो क्या हमारी फीस वेस्ट हो जाएगी, ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, आई होप सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए हैं, कुछ और इसमें रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बट बिना वीडियो देखे आप कमेंट में मत पूछिए, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है दोनों का। तो मैं टाइम स्टैम्पिंग करके दे दूंगा, टाइम स्टैम्पिंग करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब क्या क्या मैंने टॉपिक बोले हैं उसका मैं स्टैम्पिंग दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा आपके लिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे और यूजफुल वीडियोस मैं और डालने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।